साथ ब्रह्मास्त्री की डिलीशियस रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे चटपटी चना दाल नमकीन, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब के बगल में बने हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे ये होगा जो भी रेसिपीज मैं बनाऊंगी आप तक तुरंत पहुंच जाएंगी। तो आइए बनाते हैं चटपटी चना दाल नमकीन। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम चना दाल है। मैंने इसे 5 से 6 घंटे पहले पानी में भिगा के रखा था और मैंने 1/4 चम्मच इसमें मीठा सोडा डाला था। इसे मैंने 5 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था और ये दाल हमारी अच्छी तरीके से फूल चुकी है, ये देखिए। और इसके अंदर डालने के लिए मैंने काला नमक लिया है, 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला लिया है, लाल मिर्च पाउडर, मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। तो सबसे पहले चना दाल को पानी से निकाल देंगे और इसे एक बर्तन में छन्नी में इस तरीके से छान देंगे। देखिए मैंने चना दाल से पानी अच्छी तरीके से निकाल दिया है और पानी निकल जाने के बाद इसे हम सोकिंग पेपर या कपड़े पर डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से फैला देंगे और आधे घंटे के लिए इसे हम पंखे के नीचे रख देंगे। इसे दाल हमारी अच्छी से भरभरी हो जाए और ये पानी सूख जाए। आप चाहे कपड़े से इस तरीके से इसे सुखा भी सकते हैं। अब इसे हम सुखा लेते हैं, फिर इसे हम फ्राई करेंगे। और देखिए चना की दाल हमारी अच्छी तरीके से भरभरी हो चुकी है और इसके ऊपर का पानी सूख चुका है। मैंने इसे आधे घंटे के लिए पंखे की हवा में डाल दिया था और ये तलने के लिए तैयार है। और इसे तलने के लिए मैंने गैस पर पैन रखा है और इसके अंदर रिफाइंड ऑयल डाला है। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। चने दाल को फ्राई करने के लिए मैंने छन्नी लिया हुआ है, स्टील की छन्नी है। आप इससे छोटी साइज में भी छन्नी ले सकते हैं, इससे तलने में बहुत आसानी रहती है। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी पैन के अंदर इसे चने की दाल को डाल करके और इसे छान सकते हैं। मैंने छन्नी लिया है, इसके अंदर चने की दाल डालेंगे और छन्नी को इस तरीके से तेल में रख देंगे। आंच को हम मीडियम से भी थोड़ा स्लो रखेंगे और इसे इस तरीके से तल लेंगे। तो देखिए मैंने चने दाल को 2 से 2.5 मिनट तक तल लिया है और ये क्रिस्पी होना शुरू हो गया है। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं जलाना है। हम चेक करते हैं, देखिए ये अच्छी तरीके से फूट रहा है। इसी तरीके से इसे हम चलाते हुए तल लेंगे और ये दाल हमारी तल चुकी है। इसे हम निकाल लेंगे, बहुत हल्का सा अगर इसमें लूजपन है तो ये निकालने के बाद क्रिस्पी हो जाता है, क्योंकि दाल हमारी कुछ देर तक काफ़ी गर्म रहती है। इसे हम बाहर निकाल लेंगे, इसे हम एक सोकिंग पेपर पर निकालेंगे, इसे इसके एक्स्ट्रा ऑयल जो होंगे इसके अंदर आ जाएंगे और इसी तरीके से हम सारी दाल को तल लेंगे। इसे हम बीच बीच में इसी तरीके से हिलाते रहेंगे, इसे चारों तरफ से अच्छी तरीके से क्रिस्प हो जाए। मैंने सारे चने दाल को फ्राई करके रख लिया है, अभी ये काफ़ी गर्म है। इसी में हम मसाले डाल देंगे जिससे अच्छी तरीके से इसके अंदर ही मिक्स हो जाए। ये मैंने चाट मसाला डाला इसके अंदर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है ये, और 1/4 चम्मच से थोड़ा सा कम काला नमक। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। मैंने दाल के अंदर मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी नमकीन बनी है, आप इसे जरूर बनाइए। अब इसे हम प्लेट में निकालेंगे। और हमारी क्रिस्पी टेस्टी और चटपटी चना दाल नमकीन बनकर तैयार हो गई है। आप अगर इसमें और ज़्यादा मसाला डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ये इतना काफ़ी है इसके लिए। मैंने 250 ग्राम चने की दाल लिया था, उसी हिसाब से मैंने इसके अंदर मसाले नमक डाले हुए हैं।
तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो अपने कमेंट हमें जरूर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।